वेल गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक AEW का आज हुआ डायनामाइट शो नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें बैक स्टेज पर रूनी पगेट और ऑरेंज कैसिडी देखने को मिले, जहां पर ऑरेंज कैसिडी फॉरबिडन डोर के ऊपर उनके पॉसिबल ओपोनेंट को लेकर बात कर रहे होते गए। और गाइज, ऑरेंज कैसिडी का ये वाला सेगमेंट चल ही रहा होता है तभी सडनली NJPW के वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियन जैक सेवर जूनियर बैक स्टेज एरिया पर आ जाते गए, जहां पर जैक सेवर जूनियर ये कहते गए कि वो इस साल फॉरबिडन डोर के ऊपर ऑरेंज कैसिडी को इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। और गाइज, इस साल फॉरबिडन डोर के ऊपर वो चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच लड़ना चाहते गए, क्योंकि यहां पर जैक सेवर जूनियर को ये लगता है कि वो ऑरेंज कैसिडी को आराम से बीट करके AEW के अंदर डबल चैंपियन बन सकते गए। बट गाइज, यहां पर कैसिडी और सेवर का सेगमेंट चल ही रहा होता है तभी डेनियल गार्सिया आ जाते गए। और गाइज, डेनियल गार्सिया शिबाता को लेकर बात करते गए, जिसके बाद की ऑरेंज कैसिडी ये कहते गए कि शिबाता इस हफ्ते AEW डायनामाइट शो के ऊपर मौजूद नहीं गए, बट गाइज नेक्स्ट वीक शिबाता आने वाले गए। और गाइज, नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर ऑरेंज कैसिडी और शिबाता जैक सेवर जूनियर और डेनियल गार्सिया को फेस करेंगे। और गाइज, कुछ इस तरीके से AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जैक सेवर जूनियर और ऑरेंज कैसिडी का मैच फॉर